गाइज हमारी गाड़ी फंस गई थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे पता बुरा किस बात का लग रहा है, जो लोग यहाँ रहते हैं, मतलब हम तो एक दिन के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ ख़राब हो सकती है, और जो लोग रह रहे हैं, जो गांव में रहे, जैसे मैंने आपको दिखाया, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पैदल पैदल स्कूल जा रहे हैं, इन यहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो कैसे रहते होंगे? उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, इतने ख़राब ख़राब रोड हैं, वो पैदल पैदल जा रहे हैं। तो सरकार को यहाँ की रोड्स के लिए कुछ करना चाहिए ताकि पक्की पक्की रोड्स हो जाएँ, ताकि प्रॉपरली अच्छी तरह से गाड़ियाँ चल सकें यहाँ पर। यहाँ गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती, जैसे कि आपने देखा इतने ख़राब रोड है, गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती। हमारे तो फिर भी 4x4 है, वो भी ख़राब होगी, देख लो इतने ख़राब रोड हैं। तो हमने सभी गांव वाले से बात की, जो भी हमसे मिल रहे, सभी यही बोल रहे थे कि यहाँ रोड्स बेकार हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सरकार तक ये वीडियो पहुँचाओ, उनको दिखाओ कि यहाँ पर रोड्स कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। हम ऑफ रोडिंग करते हैं, हम तो एडवेंचर के लिए आ गए, लेकिन ये एडवेंचर एक दिन के लिए एडवेंचर है हमारे लिए, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, गाँव वालों के लिए डेली एडवेंचर है, उनको डेली कितनी दिक्कत होती है। तो हाँ, इस बात का मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। गाड़ी तो हमारी ठीक हो जाएगी, या फिर हम आज फंस गए, एक दिन के लिए फंस गए, फिर नहीं आएंगे कभी, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी डेली। और गांव आपने देखे कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गांव हैं, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं। अगर प्यारे प्यारे रोड हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, हर कोई यहाँ पे अच्छे से आ सकेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।